बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लीडरशिप को डिस्कस कर रहे हैं इस वीक में, और हम लोगों ने पहले लीडरशिप की ट्रेड सीरीज़ पढ़ी है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने लीडरशिप की ट्रेड की थीरीज पढ़ी हम लोगों ने, और 7 ट्रेड्स हम लोगों ने पढ़े। फिर लीडरशिप की बिहेवियर थीरी पढ़ी, जो कि अमेरिका में रिसर्च हुई, हमने इसको देखा। और अब हम लोग तीसरे नंबर पे आ रहे हैं कॉन्टेजेंसी थीरीज, ठीक है जी। अब बच्चों, होता ये है ना कि किसी भी फील्ड में, चूँकि मैनेजमेंट की फील्ड जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं बुक के हवाले से, और जो हम लोगों ने करिकुलम पढ़े हैं, ये हम लोगों ने देखा है हिस्ट्री के अंदर कि सन 1900 जो है, तब से ये मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुए हैं। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को इवॉल्व हुए अभी तकरीबन 120 साल हुए हैं, इससे ज़्यादा भी अरसा नहीं हुआ। तो वक्त जैसे जैसे गुजर रहा होता है ना बच्चों, तो बहुत से जो थीरीज, बहुत से जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उनके अंदर तब्दीली आती जाती है। जैसे बाकी कॉन्सेप्ट के अंदर तब्दीली आती गई, वैसे बिज़नेस के अंदर भी तब्दीली आती गई। वो इसलिए कि बिज़नेस की नेचर जब चेंज होती गई वक्त गुजरने के साथ साथ, ठीक है, फंक्शन अलग होते गए, एक्टिविटीज़ बदलती गई। जैसे कि आज से 10 साल पहले जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म किया करती थी, वो ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके से अब परफॉर्म नहीं कर रही जैसे आज कर रही हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे अब हम लोग ऑनलाइन जो है वो हम लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, और हम लोग पढ़ा रहे हैं, और आप लोग पढ़ रहे हैं, इस तरीके से आज से तकरीबन 15 साल, 20 साल, 30 साल पहले शायद इस तरह की ऑनलाइन स्टडीज़ जो थी वो प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, नई नई रिक्वायरमेंट्स आती जाती हैं, वक्त गुजारने के साथ साथ नई नई एवोल्यूशंस आती हैं, इर्तका का अमल होता है, तरक्की हो रही होती है, और चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। तो अब ये कॉन्टेजेंसी जो का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्टेजेंसी का मतलब होता है सिचुएशनल थीरीज। अब ये कुछ और थीरीज हैं लीडरशिप के हवाले से पढ़ेंगे। थीरीज से मराद ये कि कुछ और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे लीडरशिप के, कि वो जो हम लोगों ने बिहेवियर और ट्रेट वाली जो हम लोगों ने थीरीज पढ़ी, इसके अलावा भी मैनेजमेंट को के जो है वो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है और कॉन्टेक्स्ट है, जो हम लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कॉन्टेजेंसी थीरी हमें क्यों इवॉल्व हुई और किस तरीके से इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले इसकी रीज़न जो है ना, वो ये लिखी हुई है। रीज़न क्या लिखी हुई है बच्चों, द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़ फिल्ड विद स्टोरीज ऑफ लीडर्स हु फेल्ड टू अचीव ग्रेटनेस बिकॉज दे फेल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट दे आर वर्किंग इन। सबसे पहले बच्चों, हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग किस माहौल में बैठ के काम कर रहे हैं। बाज़ोकात ऐसा होता है कि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि हम किस इन्वायरमेंट में हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, और हम लीडर, हमारे जो लीडर्स होते हैं वो फिर अपना जो गोल है उसको अचीव करने में फेल हो जाया करते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में दास्तानें भरी पड़ी हैं ऐसे लीडर्स की भी, जो बहुत अच्छे लीडर्स होने के बावजूद फेल हो जाते रहे हैं। वो क्यों फेल हो जाते रहे हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। तो यहाँ पर उसके लिए हमें एक हेल्प करती है रॉबर्ट हाउस की एक थीरी है, जिसे हम लोग पाथ गोल थीरी कहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में, पाथ गोल थीरी को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसके आइडियाज़ दूंगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का हमारे पास शायद इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो सकेगा। अभी सिर्फ इतना हम पढ़ते हैं बच्चों कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोग शुरू में सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम कोई ना कोई गोल सेट करते हैं बच्चों। और जब गोल सेट करते हैं, तो फिर मैंने आपको कहा था कि प्लानिंग में फिर हम लोगों को बताया जाता है कि इस गोल को किस तरीके से हम लोगों ने अचीव करना है। वो जो तरीक़ेकार चूज़ करते होते हैं, जैसे हम प्लानिंग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पाथ, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि पाथ गोल थीरी हमें ये कहती है कि जो गोल हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, उस गोल को अचीव करने के लिए कौन सा रास्ता चूज़ करना है, कौन सा पाथ चूज़ करना है, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए मैनेजमेंट की नज़र में, ठीक है जी। यहाँ पे देखिएगा जो बुक में लिखा हुआ है, एन अदर अप्रोच टू अंडरस्टैंड लीडरशिप इज पाथ गोल थीरी विच स्टेट्स दैट लीडर्स जॉब इज टू असिस्ट फॉलोअर्स इन अटेनिंग दियर गोल्स एंड प्रोवाइड डायरेक्शंस टू सपोर्ट नीड और सपोर्ट नीड टू इंश्योर दैट दियर गोल्स आर कंपेटेबल विद द गोल्स और ऑफ द ग्रुप और द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो गोल बच्चों हम लोगों ने सेट किए हैं, इन गोल्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड करवाना मैनेजमेंट लीडरशिप की जिम्मेदारी है। पाथ बताना, रास्ता बताना कि ये डायरेक्शन है, ये एम्प्लॉइज को बताना कि ये डायरेक्शन है कि जिस डायरेक्शन के ऊपर चल के हम लोग इन गोल्स को अचीव करेंगे, और ये वो गोल्स नहीं है जो मेरे और आपके या इंडिविजुअल गोल्स हैं, ये गोल्स जो हैं ये सिंक्ड हैं, ये गोल्स अलाइंड हैं,
ये गोल्स बिल्कुल वही सिमिलर गोल्स हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं। इन्होंने कोई अपने डेड एंड की मस्जिद बना के डिपार्टमेंट ने गोल नहीं बनाए, भैया हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। तो हाउस कहता है, रॉबर्ट हाउस जो है वो ये कहता है कि तकरीबन जो लीडर्स होते हैं उनके तीन चार किस्म के जो बिहेवियर्स हैं, बल्कि चार किस्म के लीडरशिप के बिहेवियर्स हैं, जो कि लीडर जो है वो अपने इम्प्लॉइज़ को समझाने के लिए, अपने इम्प्लॉइज से काम करवाने के लिए किस किस्म का बिहेवियर शो किया करता है। तो ये चार बिहेवियर्स हैं। सबसे पहला जो बिहेवियर है वो क्या है, डायरेक्टिव लीडर। ठीक है जी, तो डायरेक्टिव लीडर कौन होता है बच्चों? डायरेक्टिव लीडर का मतलब होता है जो डायरेक्शंस देता है। ठीक है, डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है, एक डायरेक्ट बंदा जो है वो बताता है। डायरेक्शन देने का मतलब क्या होता है, डायरेक्शंस क्या देता है, वो बताता है कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमें आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है, और आपने किस लेवल की परफॉर्मेंस जो है वो हमें परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्म करके देना है। ठीक, ओके जी, ये और कितने टाइम में, एक्सपेक्टेड टाइम वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें बता दिया करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे किसी फिल्म का डायरेक्टर होता है। फिल्म का डायरेक्टर क्या होता है कि आपने गोल बताया जाता है कि आपने इस सीन में ये परफॉर्मेंस देनी है, आपसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपकी ये लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए और ये इतनी देर के अंदर आपने हमारी एक्सपेक्टेशन से था कि आप कंप्लीट कर लें। तो जैसे जैसे डायरेक्टर बताएगा, फिल्म का एक्टर जो है वो उसके मुताबिक काम करेंगे। ये जो डायरेक्टिव लीडर्स हैं ये भी क्या करते हैं, लेट सबॉर्डिनेट्स नो वट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देन। वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बताते हैं हम आपसे एक्सपेक्टेशन क्या हैं, फिर उनके काम को शेड्यूल दे करते हैं कि आपने इतने बजे से लेकर इतने बजे तक काम करना है, और फिर क्या होता है स्पेसिफिक गाइडेंस देते हैं कि काम कैसे अचीव किया जा सके। इसका मतलब है रास्ता बता रहे हैं, पाथ बता रहे हैं किस तरीके से गोल्स अचीव करना। ये डायरेक्टिव लीडर्स होते हैं। ठीक है जी, जब डायरेक्टिव लीडर्स हो गया तो दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं बच्चों, दूसरे किस्म के लीडर्स होते हैं जो डायरेक्शंस नहीं दे रहे बल्कि वो सपोर्टिव लीडर्स होते हैं। वो सपोर्टिव लीडर्स क्या होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ की के बारे में कंसर्न शो करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ के साथ दोस्ताना वाला माहौल रखते हैं, वो फ्रेंडली होते हैं, वो जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारे जो फॉलोवर्स हैं उनके साथ वो फ्रेंडली रहते हैं और उनकी नीड्स जो होती हैं उनको अंडरस्टैंड करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, बहुत सपोर्टिव लीडर होते हैं। ठीक है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स का ख्याल रखते हैं, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दी काम करें। यहाँ पे सबॉर्डिनेट को भी देखेंगे, भाई तुम ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो हम तुम्हें ज़रा आसान काम देते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम्हें हम छुट्टी दे देते हैं, तो ठीक है, तुम्हें कोई मसला है तो हम तुम्हें असिस्ट करते हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रही हम तुम्हें ट्रेनिंग देते हैं। इसका मतलब है फ्रेंडली हैं आप अपने लीडर के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। तीसरे नंबर पे होता है पार्टिसिपेटिव लीडर। पार्टिसिपेटिव लीडर वो होता है जो साथ में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, वो कंसल्ट करता है, कंसल्ट करता है, कभी कभी ज़रूरत पड़े तो अपने लीडर के साथ मिलकर परफॉर्मेंस भी दे रहा होता है। वो पार्टिसिपेट करता है लीडर के गोल को अचीव करने, सबॉर्डिनेट के गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है कि वो भी उसके साथ मिलकर काम करता है। चले मिलकर काम करते हैं, जब मिलकर काम करेंगे तो फॉलोवर जो है उसके काम के अंदर लीडर पार्टिसिपेट कर रहा है। कंसल्ट्स विद ग्रुप मेंबर्स एंड यूजेस देयर सजेशंस बिफोर मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, और नीचे वाले जो सबॉर्डिनेट्स होंगे उनको फिर पार्टिसिपेट करवाएगा, ये मैं फैसला चाह रहा हूं आप बताएं कैसा है, फिर उनसे भी पार्टिसिपेशन करवाएगा, उनसे राय लेगा, फिर डिसीजंस लेगा। चौथे नंबर पे आता है अचीवमेंट ओरिएंटेड। ये ऊपर वाले लेवल का, ये सबसे ऊपर वाले लेवल का जो लीडर होता है ना वो अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है। वो कौन सा होता है, ये वो होता है कि जो हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो लगा लेता है अपने एम्प्लॉई से कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इस लेवल की नहीं होनी चाहिए, इस लेवल की होनी चाहिए, आपके लेवल परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये वो लीडर होता है जो एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद बस नहीं कर जाता, वो ये नहीं कहता कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया तो बस ये बहुत हो गया, अब तुम्हें और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ये वो लीडर है जो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब तुमने इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, तुमने उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, तो बुक में क्या लिखा हुआ जी, सेट्स चैलेंजिंग गोल्स एंड एक्सपेक्ट्स फॉलोवर्स टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल। वो चाहते हैं कि और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, हाईएस्ट लेवल पे अचीव करें। तो ये चार किस्म के जो बिहेवियर जी, तो उसके बाद ये उसकी डिटेल्स लिखी हुई है बच्चों। अब नेक्स्ट और एक नया टॉपिक आता है, वो है कंटेम्प्रेरी व्यूज़ ऑफ लीडरशिप। ठीक है, अब लीडरशिप्स को वक्त, जैसे कि मैं बता रहा हूँ जो बच्चों के वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व हो रही होती हैं। ठीक है, एवोल्यूशन प्रोसेस है, तरक्की का प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। तो ये चार नए कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है जी, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। लीडर मेंबर हम लोग कहेंगे सबॉर्डिनेट को। ठीक है जी, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, ये नई थ्योरी है। नंबर वन, व्हाट यू हैव बीन इन अ ग्रुप इन विच द लीडर हैड फेवरेट्स
हु मेड अप हिज और हर इन ग्रुप हु मेड अप हिज और हर इन ग्रुप्स इफ सो दैट इज दैट्स द प्रोमिस बिहाइंड लीडर मेंबर एक्सचेंज थीरी. लीडर मेंबर एक्सचेंज थीरी सेज दैट लीडर क्रिएट, यहाँ से शुरू होती है इसकी डेफिनेशन, दैट लीडर क्रिएट इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स एंड दोज इन द इन ग्रुप्स विल हैव हायर परफॉर्मेंस रेटिंग्स, लेस टर्न ओवर एंड ग्रेट जॉब सेटिस्फेक्शन. अच्छा, यहाँ पे बच्चों होता क्या है कि जब हम लोग किसी टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, टीम के अंदर, तो टीम में एक लीडर है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो ए बी सी डी चार लोग काम कर रहे हैं. अब होता क्या है कि लीडर जो होता है इन चार के चार लोगों के ऊपर सेम लेवल का रिलेशनशिप उसका नहीं होता, ठीक है जी. जो रिलेशनशिप होता है लीडर का ए के साथ मिसाल के तौर पे जो है वो ए के साथ जो है वो इतना अच्छा नहीं है, बी के साथ बहुत अच्छा है, सी के साथ भी अच्छा नहीं है और डी के साथ अच्छा नहीं है. तो जिन जिन के साथ ए के साथ भी अच्छा नहीं है, सी के साथ भी अच्छा नहीं है, बी और डी के साथ रिलेशनशिप अच्छा है. अब ये जो बी और डी होंगे ना, ये उसके इन ग्रुप्स होंगे, ठीक हो गया, और ये जो सी और ए होंगे ना, ये उसके आउट ग्रुप्स होंगे. जब इन ग्रुप्स होंगे तो ये इनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, सी बी और डी के साथ इनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगा, ये लीडर के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे. ए और सी के ऊपर चूंकि लीडर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो ये लीडर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, लीडर इनको इतना ज़्यादा टास्क नहीं दे रहा, और ये भी लीडर को भी इतना अच्छा नहीं समझ रहे, और लीडर के साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनके साथ जो रिलेशनशिप है वो भी इतना अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है जी. तो अब वो लोग जो इन ग्रुप हैं यानी कि बी और डी जो होंगे ना, उनके साथ क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी क्योंकि लीडर उनको अच्छे अच्छे काम भी देगा और सिखाएगा भी समझाएगा क्योंकि ताल्लुक बड़े अच्छे हैं, ठीक है. लेस टर्न ओवर, टर्न ओवर का मतलब होता है बच्चों नौकरी छोड़ के चले जाना. तो ये बी और डी जो होंगे ये इन ग्रुप्स हैं ना, तो इन ग्रुप्स में टर्न ओवर नहीं होगा, यानी कि चूंकि लीडर के साथ आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा है तो फिर आप कंपनी नौकरी छोड़ के जाने की कोशिश नहीं करोगे, आप नौकरी छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक हो गया. लेकिन सी और ए चूंकि उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो तो नौकरी छोड़ के चले जाएंगे. बी और डी जो है वो सेटिस्फाई होंगे नौकरी से, ए और सी सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है जी. अब आगे नंबर टू आता है ट्रांसफॉर्मेशनल और वर्सेस ट्रांजैक्शनल लीडर, ठीक है जी. एक लीडर होता है जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है, वो कौन होता है, वो होता है जो ट्रांसफॉर्म करता है. आप अगर इस आपका सर्कल छोटा सा है तो एक लीडर होता है जो आपको इस सर्कल से उठा के बड़े सर्किल की तरफ लेके जाता है, यानी कि आपको कहाँ से उठा के कहीं ले जाता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, आपके अंदर चेंजेस ले आता है, ऑल टुगेदर आपको चेंज कर देता है. इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मर लीडर, ठीक हो गया. ये कौन होता है ट्रांसफॉर्मर लीडर, स्टिमुलेट्स एंड इंस्पायर्स फॉलोवर्स टू अचीव एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम्स. वो आउटकम्स जो है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी गैर मामूली किस्म की जो एक्टिविटीज़ है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ठीक है. और ट्रांजैक्शनल क्या होता है, लीडर दैट लीड प्राइमरीली बाय यूजिंग सोशल एक्सचेंजेस और ट्रांजैक्शन. सोशल एक्सचेंजेस से मुराद क्या है, तुम ये काम कर लो, ये टास्क परफॉर्म करो और इस टास्क को परफॉर्म करोगे तो हम तुम्हें ये रिवॉर्ड देंगे, तुम ये काम करो हम तुम्हें सैलरी दे रहे हैं, तुम ये काम करो हम तुम्हें ये बोनस दे देंगे. तो ये ट्रांजैक्शन होता है. ट्रांजैक्शन कैसे होता है, डील के तुम इस जिसे हम कहते हैं ना कारोबार, जिसे हम कह रहे होते हैं एक काम तुम करो उसके बदले हम तुम्हें ये दे देंगे. तो ये जो डील हो रही होती है ना अदला बदला, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शनल, ठीक है जी. फिर आगे चलेंगे बच्चों करिज्मेटिक वर्सेस विजनरी लीडर. करिज्मेटिक लीडर कौन सा होता है, करिज्मेटिक को उर्दू में हम कहते हैं करिश्माती. करिश्माती लीडर कौन होता है, जो एंथुसियास्टिक होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. और उसकी जो पर्सनालिटी होती है और उसके जो एक्शंस होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि दूसरे लोग जो होते हैं वो भी उससे ऐसा बिहेव करने की कोशिश करते हैं. बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हम चाहते हैं, हम भी इसके जैसा बिहेव करें, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हम भी चाहते हैं इसके साथ बिहेव करें, ठीक है. ये कंसेप्ट करिज्मेटिक लीडर होते हैं. जो करिज्मेटिक लीडर्स होते हैं बच्चों वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, वो हमेशा फ्यूचर को अपने माइंड में रख के जो है वो पॉलिसीज बनाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ या अपने फॉलोवर्स से जब भी कोई काम लेंगे तो हमेशा अपने माइंड में फ्यूचर ही को रखेंगे, ठीक है जी. उसके बाद जो हमारे पास अगला आता है टीम लीडरशिप रोल्स, ये बच्चों हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है उसकी वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे. अब मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने असाइनमेंट जो है वो क्या करनी है. असाइनमेंट बच्चों आप लोगों ने ये करनी है कि असाइनमेंट आप लोगों ने करनी है कि आपने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स,
ठीक है, इन दोनों में से डिफरेंस जो है वो क्रिएट करना है, देखना है ट्रांजैक्शनल रिलेटेड में और ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड जो है उसमें डिफरेंस क्या है, जो कि हमें थोड़ा सा बहुत पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, हम लोगों ने एक्सप्लेन भी इसको किया है। उसके बाद कैरिज्मेटिक और विजनरी, ये जो हमारे लीडर्स हैं ना, इन दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस देखना है कि विजनरी लीडर जो फ्यूचर ओरिएंटेड होगा और कैरिज्मेटिक लीडर जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन नंबर वन है, इस क्वेश्चन नंबर वन का आप लोगों ने बच्चों आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर टू जो है उसको आपने आंसर नहीं देना, वो हम लोगों ने जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। थैंक यू जी, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में जो है वो बाकी की जो इसके रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे जी।